Seventh, two ball A and B having masses 1 kg, 2 kg moving with a speed 21 and 4 meter per second, opposite direction में collide head on. After collision, एक condition दी हुई है, A जो है वो 1 की speed से same direction में move करता है, तो आपको यहाँ पे condition निकालना है. ये आपका multi correct भी हो सकता है, मतलब इसमें कुछ questions multi correct भी हैं. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन बना लेते हैं. ए हो गया, ए का मास 1 kg है, कितने स्पीड से आ रहा है, 21 मीटर पर सेकेंड. और जो बी है 2 kg का, ये हमारा आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से. उसके बाद बोल रहे हैं हेड ऑन कोलिजन होने के बाद ए जो है 1 kg वाला, वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है. तो आपको बताना 2 kg वाला, तो इसमें तो सिंपली आप LMC की क्वेश्चन लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पे सीधे आप लगा दो LMC. LMC में क्या हो जाएगा, ये 1 × 21 −2 × 8 कर दीजिए, फिर 1 × 1, और इसका वेलोसिटी इधर कुछ मान लिया हम लोगों ने वी, तो ये +2 × v कर दो आप, तो ये कितना हो गया 21 − 16. तो यहां पे हमारा जो है 6 = 1 + 2v. यहां पे मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, इसको सही कर देते हैं. 2 × 4 = 1 × 1 + 2v, तो ये 21 − 8 आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 + 2v. तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपका v जो है वो 6 आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड. तो आंसर पहला अगर हम पढ़े तो वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन, तो ये 6 आ रहा है, और ऑब्वियस ये पहले लेफ्ट में जा रहा था, अब ये राइट में प्लस में आ रहा है, तो ए तो सही है. फिर बी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.2, तो इसको भी चेक कर लेते हैं. ई क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. आप देखो अगर 6 हो गया तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, 6 − 1 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 21 + 4, 5/25, दैट इज इक्वल टू 1/5. ये 0.2 हो गया, दैट मीन बी भी सही है. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन. मल्टी करेक्ट क्वेश्चन में एक एक ऑप्शन को चेक करें तो एक्यूरेसी सही रहती है. लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखेंगे, के इनिशियल अगर आप लिखो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 मास इंटू में वी स्क्वायर कर दीजिए, 21 का स्क्वायर +1/2. अब इसका देख लेते हैं, 2 × 4 का स्क्वायर. फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 मास 1 था, 1 का स्क्वायर +1/2 मास 2m, 2 kg हो गया, और आखिरी में 6 का स्क्वायर. तो आप इधर देखोगे तो ये आ रहा है 21 का स्क्वायर एंड दैट इज 32. +32, तो ये आ रहा है हमारा 473/2, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3672/73 आ रहा है, 73/2. तो अगर लॉस देखें, लॉस तो लॉस कितना आएगा, इनिशियली जो था माइनस फाइनली, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 73 कट गया, तो ये 200 आ रहा है, 200 जूल. तो आंसर सी भी सही है. आंसर डी को भी चेक कर लेते हैं. इंपल्स ऑफ फोर्स बिटवीन टू बॉल इज 40 न्यूटन. तो किसी भी बॉल का आप देख लो, जो भी चेंज इन मोमेंटम है वही इंपल्स हो गया. तो इसका मोमेंटम कितना है, इनिशियली 1 वाली की बात करते हैं, तो इंपल्स हमारा कितना जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं, बस हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए. तो फाइनली कितना है, 1 × 2 माइनस इनिशियली कितना था, 1 × 21, तो ये हमारा कितना जा रहा है, ये 20 जा रहा है, मतलब माइनस का है. इसमें कितना दिया है, 40 दिया है, तो ये गलत हो गया इस तरीके से. आंसर इज ABC करेक्ट.